हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वाले वीडियो में बात करेंगे द मैनचेस्टर सिटी द ट्रेबल विनिंग टीम ट्रॉफी टूर करने वाली है और इंडिया में आने वाली है, उसके बारे में डेट्स और सब कुछ इस वाले वीडियो में बात करेंगे। एंड इंटर काशी जो नई फॉर्म क्लब है आई लीग की, उन्होंने अपने स्टेडियम के ऊपर और एक कंप्लीट टेक ओवर के ऊपर अपडेट्स दिया है आज। और भाई शाजी प्रभाकरन जी ने उन्होंने ब्रॉडकास्ट के रिगार्डिंग जो इश्यूज चलते हैं इंडियन फुटबॉल में, तो ये सब तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। पहला टॉपिक के बारे में भाई, मैनचेस्टर सिटी, तो आप सभी को पता है कि उन्होंने तीन ट्रॉफी जीती थी ये बार, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग एंड एफए कप, तो इससे ट्रेबल कंप्लीट हो चुका है। एंड भाई आज ही उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग एक ट्रॉफी टूर पे जाएंगे। तो ये ट्रॉफी टूर का स्टार्ट कहां से होगा, तो वो लोग पहले मैनचेस्टर में करेंगे, फिर बाद में वो लोग जापान एंड कोरिया में जाएंगे जहां पर उनका प्री सीजन भी है। ठीक है, जापान एंड कोरिया, वहां पर वो लोग प्री सीजन भी करेंगे एंड ट्रॉफी टूर भी होगा। फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग कंट्रीज है, जो भी इंडिया है, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तो वहां पर जाके वो लोग ट्रॉफी टूर करने वाले। और अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे तो दो स्टेट, आप कोची एंड मुंबई, तो भाई ये दो जगह पे 21 सितंबर 27 सितंबर तक मैनचेस्टर सिटी आएगी। एंड साथ ही साथ हम लोग को ट्रॉफी देखने के, मतलब हम लोग ट्रॉफी भी देख सकते हैं क्लोजली, लेजेंड्स आएंगे, मैच स्क्रीनिंग होगा और एक्साइटिंग एक्टिविटीज, मतलब बहुत सारे एक्साइटिंग एक्टिविटीज रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है। और जो मॉस्कॉट रहता है, मॉस्कॉट रहता ना कि मूनचेस्टर, जैसे कि है ना माइटी रेड्स हम लोग का, लिवरपूल का, तो वैसे ही मैस्कॉट्स आने वाले। सो इट विल बी रियली रियली क्रेजी टू सी द ट्रेबल विनिंग मैनचेस्टर सिटी कम हियर इन मुंबई एंड कोची। और इसके बाद में 21 to 27 सितंबर तक वो लोग ये 6 दिन तक, या तो बोल सके एक हफ्ते तक यहाँ पर इंडिया में रहेंगे और ट्रॉफी टूर करेंगे। अभी इसके बारे में और डिटेल्स, टिकट्स वगैरह सब कुछ अभी पता नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम क्लोज आएगा तो उसके बारे में हमें मालूम पड़ जाएगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं। सेकेंड टॉपिक है जी आर दोस्तों, इंटर काशी। तो आज उन्होंने ना एक घंटे का बोल सके सेशन रखा था रेडिट के ऊपर, जहां पर फैंस लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड उनका जो डाउट्स रहेगा जो भी क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और एक घंटे के लिए सेशन था, लेकिन वो 2 घंटे तक उनका बोल सके सेशन हुआ दो रेडिट के ऊपर, और उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें कवर की। तो उसमें उसके लिए हम लोग दो चीज हम ये वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले बात तो स्टेडियम के बारे में, तो आप सभी को पता है कि हम लोग के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि भाई इंटर काशी कौन से स्टेडियम में खेलने वाली है, क्या वो अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाली है, तो दूसरे स्टेट में खेलने वाली है। तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो सिग्रा स्टेडियम है, जो उनका जो चेयरमैन है, इंटरकाशी का जो चेयरमैन है विनोद दुगर, ठीक है, उन्होंने कंफर्म किया कि जो वाराणसी में स्टेडियम है सिग्रा ग्राउंड ऐसा करके, ठीक है, सिग्रा स्टेडियम करके है, तो वो रेनोवेट हो रहा है। ठीक है, वो रेनोवेट हो रहा है, तो अगर वो लीग स्टार्ट होने से पहले वो अगर सही से रेनोवेट हो गया और वो तैयार हो गया, तो हम लोग वहां पर खेलेंगे जो कि वाराणसी पे। और अगर समझो नहीं हुआ तो दूसरा ऑल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश में ही हम लोग ढूंढने के एक ग्राउंड। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई जितना पॉसिबल हो सके हम लोग उत्तर प्रदेश में ही खेलने का कोशिश करेंगे, सो दैट हम लोग पहला सीजन है तो हम लोग ज्यादा करके फैंस अट्रैक्ट कर सके उत्तर प्रदेश वाराणसी से एंड फुटबॉल, एक फुटबॉलिंग कल्चर डेवलप कर सके इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो भाई आप ये बोल सकते कि भाई ऑलमोस्ट 95 to 99% है ना, ये जो इंटरकाशी का जो नया स्टेडियम है, तो वो लोग कौन से स्टेडियम में खेलने वाले, वो इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ही होने वाला है। एंड उन्होंने बता दिया कि भाई मतलब एकदम लास्ट, एकदम थर्ड क्लास वर्स्ट केस में ही वो लोग मतलब दूसरे स्टेट में खेलने की कोशिश करेंगे, बाकी वो लोग यूपी वाराणसी वो वाली स्टेडियम में खेलने आ रहे हैं। सो लेट्स होप जो नया स्टेडियम बन रहा है सिग्रा स्टेडियम करके, सिग्रा ग्राउंड, तो वो फटाफट से रेनोवेट हो जाए एंड वहां पर अपनी जो इंटरकाशी है वो वहां पर खेल सके। अब बात करेंगे जो मेन टॉपिक है, मतलब आप उसके ना जो क्रिटिकल इश्यूज रहते हैं, जो मेन प्रॉब्लम है इंडियन फुटबॉल का, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, शाजी प्रभाकरन जी ने आज उनके ट्विटर अकाउंट पे एक पिक्चर डाला था, वहां पर उन्होंने यूट्यूब पे जो भी हाइलाइट्स आते हैं इंडियन फुटबॉल पेज पे, आप सभी को बताए अपने हाइलाइट्स का व्यूज देखेंगे भाई कितने कितने व्यूज है, 5 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन, हर एक हाइलाइट्स के ऊपर व्यूज ही व्यूज है। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये जता के बोला कि भाई देखो जो सैफ चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जो मैचेस थे वो काफी एनकरेजिंग थे, और ये बताता है कि इंडियन फुटबॉल में भी ग्रोथ है। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के जो इतने व्यूज है वो दे आर एनकरेजिंग कि भाई यस देर इज अ डेवलपमेंट, देर इज अ ग्रोथ इन इंडियन फुटबॉल। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब भी हम लोग ब्रॉडकास्टर के पास जाते हैं, टेलीकास्टर्स के पास जाते हैं, एडवर्टाइजर्स के साथ जाते हैं, मार्केटर्स के पास जाते हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि भाई जब भी हम लोग पूछते हैं कि आप लोग टेलीकास्ट वगैरह करोगे कि नहीं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि भाई नहीं यार, ये जो फुटबॉल इन इंडिया डजंट हैव अ कैप्टिव ऑडियंस, मतलब एक है ना एक अच्छा ऑडियंस
चीजें जिससे वो ग्रोथ मिल सके, बिकॉज वो लोग भी अपना फायदा उठाते, वो लोग भी अपना फायदा देखते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि भाई ग्रोथ वगैरह नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, तो ये लोग ऐसे ही करके नकार देते हैं। तो यही मेन इश्यू है, हम लोग वही बात करते रहते हैं। लेकिन भाई ये जो एंकर, ये जो आप बोलते ना कि जो व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये दिखाता है कि भाई यस इंडियन फुटबॉल के लिए ना अभी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। एंड होपफुली इन द कमिंग ईयर्स एंड इन द कमिंग मंथ्स भाई ये जो टेलीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग का जो इश्यू है ना वो अगर निकल जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ गाइस इंडियन फुटबॉल और ऊपर जा सकता है। एंड लेट्स होप ये जो यूट्यूब के जो एंकरेजिंग व्यूज है ना, वो ये जो एडवर्टाइजर्स, टेलीकास्टर्स, मार्केटर्स, फिर एडवर्टाइजमेंट्स, ये सबको क्या इसको अट्रैक्ट कर सके, एंड वो लोग फिर सामने से हम लोग का मैचेस, इंडियन फुटबॉल के मैचेस टेलीकास्ट कर सके, एंड सही वे में एकदम प्री मैच शो, पोस्ट मैच शो, हाफ टाइम के जो भी पोस्ट रहते हैं, जो भी एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वो सब हो सके, जो कि फैंस को भी काफी अट्रैक्ट करेगा और हम लोग को भी देखने में काफी मजा आएगा। सो यस है, ये आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपके क्या व्यूज है, डू लेटेस्ट मुझे चैट सेक्शन में कि आपका क्या कहना है, एंड क्या आप जा सकते हो कोची या मुंबई जब भी सिटी टीम आएगा, डू लेटेस्ट मुझे चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर, एंड इसी की तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।